आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। लगातार प्याज के दाम गिरते जा रहे हैं, इसके चलते अब किसान प्याज के भंडारण की ओर ध्यान दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश में खरीफ के प्याज को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था, जिसके बाद हम किसानों ने सोचा कि गर्मी में प्याज की खेती कर नुकसान की भरपाई कर लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमें फरवरी तक प्याज का अच्छा रेट भी मिल रहा था, लेकिन अब खरीफ और गर्मी के प्याज की आवक बढ़ने से दाम एकदम गिर गए हैं। वहीं नासिक जिले के कमसाड़े इलाके में हर साल बड़े पैमाने पर प्याज की फसल उगाई जाती है, लेकिन अब किसान इतने कम भाव में प्याज बेचना नहीं चाहते हैं। किसानों का कहना है कि इस समय हमारी लागत तक नहीं है निकल पा रही है। वहीं हालात ये हो गए हैं कि कुछ किसान अब अपने प्याज की फसल को खेतों में ही नष्ट कर रहे हैं, वहीं जब किसान प्याज भंडारण पर जोर दे रहे हैं। हालांकि कुछ जिले के किसानों का ये भी कहना है कि बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में गिरावट आई है और बाजार की मांग में कमी के कारण कीमतों में गिरावट आई है। जैसे नासिक जिले में प्याज का उत्पादन होता है, वैसे ही प्याज के भंडारण के लिए प्याज की चौल स्टॉल भी लगाई जाती है। इसी का उपयोग करते हुए भविष्य में कीमत बढ़ने पर प्याज को बेचा जाएगा। इस समय प्याज बाजार में प्रवेश करने के साथ ही कीमतों में भारी गिरावट शुरू हो गई है। फरवरी में प्याज 3000 रुपए से 3500 रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहा था। नजीतनाम किसानों ने रात में प्याज की कटाई की और उन्हें बाजार में बिक्री के लिए पेश भी किया। जो प्याज 3500 रुपए से ऊपर था, वो अभी सीधे 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इतने कम भाव में किसान अपना लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए किसान कम भाव में बेचने की जो झटपट से सीधे भंडारण पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं अन्य क्षेत्रों के किसानों के पास प्याज बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि सभी किसानों के पास स्टॉक करने की सुविधा नहीं है। वहीं खरीफ प्याज भारी बारिश और बेमौसम बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। नजीतनम लाल प्याज की रिकॉर्ड कीमत मिली थी। खरीफ सीजन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसान गर्मी में प्याज की खेती पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि खरीफ सीजन के साथ साथ रबी सीजन में भी बारिश के कारण प्याज के उत्पादन में भारी गिरावट आई है, लेकिन ज्यादा करके मांग में कमी के कारण प्याज की कीमतों में कमी देखी जा रही है, इसलिए किसान अब सीधे प्याज भंडारण पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं भविष्य में रेट बढ़ते ही किसानों ने इसे बेचने का फैसला भी किया है। अगर प्याज ठीक से संग्रहित नहीं करते हैं तो ये 45 से 50% तक की क्षति का कारण बन सकता है। जैसे रखे रखे प्याज का वजन घट जाता है, वैसे ही इसमें आगे समस्या आएगी। इसलिए प्याज के नुकसान को कम करने के लिए प्याज को ठीक से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि प्याज भंडारण से नुकसान तो पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन सही तरीके से स्टॉक किया जाए तो ये नुकसान को 15 से 20% तक जरूर कम किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्याज 4.5 महीने तक अच्छी स्थिति में रह सकता है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।